नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी बहनों का आज के इस नए वीडियो में। मैं रितेश कुमार, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही पंजी कैसे लिखी जाती है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि जो ICDS विभाग की तरफ से लेटर जारी हुआ था, जिसमें कि सामाजिक अंकेक्षण की जो बैठक होने वाली है वो 20 जून 2022 को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये बैठक की जाएगी, तो उसमें जो विभागीय दिशा निर्देश दिए गए थे, क्या क्या दिशा निर्देश थे, उसके बारे में हमने आपको उस वीडियो में जानकारी दिया है। अगर वो आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं, कैसे आंगनबाड़ी सेविकाओं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो लाभार्थी हैं उनसे भी क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसका फुल डिटेल्स मैंने उस वीडियो में दे दिया है, तो आप लोग उस वीडियो को जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो सामाजिक अंकेक्षण की जो कार्यवाही पंजी है वो रजिस्टर में कैसे लिखना है, इस रजिस्टर में क्या क्या लिखा जाता है, सूचना किस प्रकार से दी जाती है, उसको कैसे एंट्री किया जाता है, कार्यवाही की बैठक जब होगी तो उसमें क्या एंट्री किया जाएगा, और साथ ही साथ जो यहाँ पे कार्यवाही बिंदु है यानी कुछ प्रस्ताव भी यहाँ पे लिखना होता है, कौन कौन से प्रस्ताव हैं, किस प्रकार से यहाँ पे लिखा जाएगा, सभी को हमने यहाँ पे अपने एक रजिस्टर में लिख लिया है। तो अगर आप लोग भी अपने आंगनबाड़ी केंद्र पे जो ये सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया होगी और रजिस्टर को लिखना नहीं आता है तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोग अपने रजिस्टर में ये सभी प्रक्रिया, सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको आप लोग नोट करके वहाँ पर लिख सकते हैं। ये काफ़ी ज़रूरी है लिखना आप सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि किस प्रकार से सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया की जो मुख्य बिंदु है उसको लिखा जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और जो भी नई आंगनबाड़ी बहनें हमारे इस चैनल के साथ जुड़ना चाहती हैं, नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दिया गया है उसको दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को पोषण ट्रैकर और रजिस्टर से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए, ये जो रजिस्टर है वो हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है किस प्रकार से यहाँ पे लिखा जाएगा। तो देखिए, जो सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही पंजी लिखनी है उसके लिए रजिस्टर विभाग की ओर से नहीं मिला है, तो आपको क्या करना है, एक कोई भी रजिस्टर ले लेना है जिसमें कि LS मैम के द्वारा जो पन्ने हैं वो प्रमाणित होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, प्रमाणित किया जाता है कि इस रजिस्टर पंजी में कुल 29 पन्ने हैं और यहाँ पे LS मैम का यहाँ पे सिग्नेचर भी है। तो इस प्रकार से एक नया रजिस्टर ले लेना है और LS मैम से प्रमाणित भी करा लेना है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ पे आपको लिखना है सामाजिक अंकेक्षण, और जिस डेट को सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा उसको यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है, जैसे कि सबसे पहले आपका काम है आंगनबाड़ी सेविका का कि लाभार्थियों के पास और जो भी वार्ड सदस्य या जो भी अध्यक्ष हैं उनके पास सूचना पहुंचाने का काम होता है कि 20 तारीख को आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया होने वाली है, तो आप लोगों को वहाँ पर आना है, इसका सूचना आपको 20 तारीख से पहले ही दे देना है, तो उसको भी यहाँ पर नोट करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा जाएगा, ऊपर में हेडिंग दे दीजिएगा सूचना, और यहाँ पे आपको लिखना है आप सभी को सूचित किया जाता है कि दिनांक, यहाँ पे आपको लिखना है डेट जब आप लोग लाभार्थियों को या जिसको भी आप लोग सूचना दे रहे हैं उस तिथि को यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे कि 20 तारीख से पहले 15, 16, 17 जब आपको समय मिले आप लोग लाभार्थियों के पास इसकी सूचना पहुँचा दीजिए, तो उसका डेट यहाँ पर आप लोग, मैंने डेट यहाँ पर छोड़ दिया है, आप लोग डेट यहाँ पर उसका लिख दीजिएगा को 20/6/2022 को आंगनबाड़ी केंद्र संख्या, यानी कि 20/6/2022 को ये जो कार्यक्रम है वो होने वाला है। ये जो सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया है वो साल में दो बार किया जाता है, 20 जून को और 20 दिसंबर को। तो अभी फिलहाल जो इस महीने कार्यक्रम होने वाला है 20 जून, तो उसको यहाँ पे लिख देना है 20/6/2022 को आंगनबाड़ी केंद्र संख्या, आपको यहाँ पर अपना आंगनबाड़ी केंद्र संख्या लिख देना है और किस टोला में आपका आंगनबाड़ी केंद्र है उसको लिख देना है, पर निम्नलिखित निर्देशानुसार सामाजिक अंकेक्षण समिति की बैठक बुलाई गई है तथा उस दिन आप सभी लोग अपनी अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। ये सिर्फ आपको सूचना लिखना है, यहाँ पे सूचना लिखने के बाद और लाभार्थियों और जिन आने वाले सदस्य हैं उनको, उन तक ये सूचना पहुँचाना है,
उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सभी का सिग्नेचर होगा। जैसे कि आपको सबसे पहले सेविका का सिग्नेचर यहाँ पे किया जाएगा, सेविका सह संयोजक हस्ताक्षर, तो सेविका अपना यहाँ पे हस्ताक्षर कर देगी। और आप यहाँ पे अध्यक्ष, जो वार्ड सदस्य अध्यक्ष होंगे, उनका यहाँ पे सिग्नेचर ले लेना है। फिर यहाँ पे आपको विकास मित्र, ANM या आशा कार्यकर्ता, गर्भवती महिला, प्रसूति महिला, समुदाय आधारित संस्था यानी कि जीविका के थ्रू जो लोग यहाँ पे आने वाले हैं उनका यहाँ पे सिग्नेचर होगा, अभिभावक पुरुष और अभिभावक महिला। तो इस प्रकार से आपको जितने भी लोग यहाँ पे शामिल होने वाले हैं इस बैठक में उनका यहाँ पे आपको सिग्नेचर करा लेना है। फिर यहाँ पे जो महिला पर्यवेक्षिका अगर आती हैं तो उनका भी यहाँ पे सिग्नेचर ले लेना है। शिक्षक उस टाइम उपस्थित होंगे तो उनका भी यहाँ पे सिग्नेचर ले लेना है। फिर यहाँ पे किशोरी बालिका को भी इनवाइट करना है तो उनका भी सिग्नेचर यहाँ पे ले लेना है। तो ये तो रहा सूचना पत्र, जैसे कि सूचना में इस प्रकार से आपको लिख लेना है। फिर आगे हम आपको बताते हैं जब 20 तारीख को बैठक की जाएगी तो उस दिन क्या लिखना है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे कार्यवाही बिंदु के बारे में बताऊंगा कि जो प्रस्ताव है वो किस प्रकार से इस रजिस्टर में प्रस्ताव को लिखा जाएगा, क्या क्या लिखा जाएगा, सभी डिटेल्स को मैं इसमें बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम दूसरा पॉइंट को कवर करते हैं, कार्यवाही बैठक। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, जिस दिन बैठक होगी तो यहाँ पर लिखना है आपको आज दिनांक 20/6/2022 को विभागीय पत्रांक 2960 पत्रांक 2961 दिनांक 14 के आलोक में, यानी कि जो पत्रांक जारी हुआ था विभाग की ओर से 2960 और 2961, ये जो पत्रांक जारी हुए थे 22/5/2014 के आलोक में ये कार्यक्रम किया जाता है, तो उस पत्रांक संख्या को आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है के आलोक में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या, फिर आपको यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र संख्या लिख देना है। के प्रांगण में वार्ड सदस्य, जो वार्ड सदस्य आएंगे उनका यहाँ पे नाम लिख देना है। के अध्यक्षता में सामाजिक अंकेक्षण हेतु एक आम सभा की बैठक बुलाई गई जिसमें निम्नलिखित सदस्यों एवं लाभुक वर्ग के लोग उपस्थित हुए। ये बैठक में आपको इस प्रकार से अपने रजिस्टर में लिखना है कि हमने इस दिन बैठक किया और इस बैठक में जो लोग मौजूद हुए उन सभी का आपको सिग्नेचर करा लेना है। जैसे कि फिर उसी प्रकार से सेविका सह संयोजक हस्ताक्षर, वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर, जो अध्यक्ष हैं उनका हस्ताक्षर लिया जाएगा। फिर विकास मित्र, आशा, ANM जितने लोग भी उस दिन मौजूद होंगे उन सभी का आपको यहाँ पे बारी बारी से सिग्नेचर ले लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो महिला पर्यवेक्षिका आती हैं उस दिन तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर ले लेना है। सहायिका भी अपना यहाँ पे सिग्नेचर करेगी, शिक्षक आते हैं तो वो भी अपना यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, और जो किशोरी बालिका वहाँ पे उपस्थित होंगी उनका भी सिग्नेचर ले लेना है। और बाकी जो लोग भी उस बैठक में उपस्थित होंगे तो आप लोगों को ऐसे 1, 2, 3, 4 करके उनका अंगूठे का निशान या सिग्नेचर, जो लोग भी करते हैं उनका सिग्नेचर यहाँ पे एक लाइन से करा लेना है। तो इस प्रकार से आपको बैठक में ये सभी कार्य करने हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे कि कार्यवाही बिंदु में क्या क्या आपको लिखना है, किस प्रकार से जो रजिस्टर है उसको यहाँ पे लिखना है, जो आप लोग को पोषाहार मिलता है, जो पोषाहार की राशि है उसको कैसे इंगित करना है, क्या क्या करना है, चलिए इसमें हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रस्ताव में सर्वप्रथम सेविका द्वारा यह बताया गया कि विभागीय निर्देशानुसार सामाजिक अंकेक्षण समिति की बैठक साल में 2 बार 20 जून एवं 20 दिसंबर को वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में पंचायत सचिव, विकास मित्र, ANM, आशा इत्यादि की सदस्यता में लाभुकों की सभा बुलाकर की जाती है। इतना आपको लिख देना है। फिर उसके बाद लिखना है, इसके बाद सेविका ने सभा के समिति के सम्मुख बच्चों की उपस्थिति पंजी, THR पंजी, भंडार पंजी, टीकाकरण पंजी, सेविका सहायिका उपस्थिति पंजी एवं अन्य पंजियों को रखा गया। यानी कि उस दिन जो भी सदस्य आते हैं उन सभी को, जितने भी रजिस्टर हैं उन सभी रजिस्टरों को दिखाना है और यहाँ पे आपको एंट्री करनी है, जिसमें उल्लेखित सभी नाम, क्रय तथा व्यय एवं वितरण लेखा जोखा पढ़ा गया और सभा द्वारा इसका सर्वसम्मति से अनुमोद करने के बाद पारित किया गया। ये सभी आपको इस प्रकार से अगर आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, या इसमें थोड़ा सा बदलाव करके भी आप अपने हिसाब से जो भी हम इसमें भरना चाहते हैं उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपको प्रस्ताव 2 में क्या लिखना है, तो प्रस्ताव 2 में लिखना है, सेविका द्वारा यह बताया गया कि कार्यालय द्वारा
पोषाहार मद कुल राशि उपलब्ध कराई जाती है जो 25 दिनों में खर्च किया जाता है। तो जो आपको पोषाहार राशि विभाग की ओर से मिलती है तो वो उसका खर्च भी आपको दिखाना है। यहाँ पे आपको दैनिक पोषाहार जो मिलता है वो कितना मिलता है लिख देना है। उसके बाद THR पे कितना खर्च किया गया वो भी लिखना है। फिर उसके बाद कुल खर्च को यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, THR पर खर्च ब्यौरे विस्तृत रूप में सेविका द्वारा दी गई, जिसके अंतर्गत दो श्रेणियों में वितरित चावल एवं दाल का कोटिवार ब्यौरा दिया गया, तथा कुपोषित बच्चे, जो भी कुपोषित बच्चों को आप लोग देते हैं उनका यहाँ पे एंट्री कर देना है, कितने बच्चों को आप लोग को सहार देते हैं, एवं गर्भवती प्रसूति महिला को यहाँ पे कितने गर्भवती प्रसूति महिला को आप लोग THR देते हैं उनका यहाँ पे जो संख्या है उसको लिख देना है। को निर्धारित मात्रा में दाल सोयाबीन चावल वितरित किया जाता है, और स्कूल पूर्व 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषाहार मद में जो पोषाहार खिलाया जाता है स्कूल पूर्व बच्चे को, तो उसमें क्या क्या जो मेनू है उसको यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि जो पुराना वाला मेनू था यहाँ पे मेनू बदल के फिर से नया वाला मेनू को ऐड किया गया है। तो जब जब भी आप लोगों का मेनू चेंज होगा तो आप लोग यहाँ पे उसका मेनू चेंज करते रहिएगा। अभी फ़िलहाल जो मेनू चल रहा है वो है नाश्ता में भुना चना मूंगफली और गर्म पका भोजन, जो कि 4-4 दिनों के लिए दिया जाता है, पूरे 25 दिनों के लिए। तो यहाँ पे उसको इंडिकेट कर देना है कि यहाँ पे 4-4 दिनों के लिए दिया जाता है। तो 4 दिन भुना चना मूंगफली नाश्ते में दिया जाएगा, फिर 4 दिन चावल का पुलाव दिया जाता है, फिर यहाँ पे 4 दिन केला पपीता या मौसमी फल, फिर उसके बाद गर्म पका भोजन में आलू चना सब्जी और चावल, 4 दिन अंकुरित चना व गुड़ सोयाबीन सब्जी व चावल। इस प्रकार से जो भी नया वाला मेनू आया है उसके अनुसार यहाँ पे टोटल 25 दिनों के लिए जो बच्चों को पोषाहार खिलाया जाता है तो उसको यहाँ पे इंगित कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है, प्रस्ताव संख्या 3। तो प्रस्ताव संख्या 3 में क्या लिखना है, इसके बाद आम सभा में सर्वसम्मति से सेविका द्वारा प्रस्तुत किए गए THR पर खर्च के ब्यौरों को पारित किया गया। सेविका द्वारा यह भी बताया गया कि आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण के दिन ANM द्वारा आयरन कैल्शियम का दवा लाया जाता है, और इन सभी ब्यौरों की सभा द्वारा संतुष्टि की गई यानी पुष्टि की गई। जो भी सभा में लोग मौजूद होंगे उनको ये सभी पढ़ के सुनाना है और ये सभी आपको लिखना है। उसके बाद प्रस्ताव संख्या 4 क्या कह रहा है, यहाँ पे बता रहा है, इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका सहायिका द्वारा गृह भ्रमण, COVID-19 के दौरान प्रचार प्रसार, पिछले साल जो COVID-19 का जो महामारी चल रहा था उसको यहाँ पे इंगित किया गया है। अभी आप लोग इसको लिख सकते हैं या ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उस साफ सफाई के से संबंधित बातों पर विचार विमर्श किया गया और सेविका सहायिका की कार्यों की सराहना भी की गई, और सर्वसम्मति से इनके कार्यों पर संतोष प्रकट की गई। इस प्रकार से यहाँ पे ये सभी डिटेल्स लिखनी है। उसके बाद अंत में पांचवा प्रस्ताव क्या है, तो पांचवा प्रस्ताव में आपको यहाँ पे लिखना है, इस तरह आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाली प्रत्येक सेवाएँ एवं पूरक पोषाहार संबंधी लेखा जोखा का अंकेक्षण लिया गया और सभा द्वारा इस पर सहमति करने और भौतिक सत्यापन करने के बाद सर्वसम्मति से सभा को पारित किया गया। अंत में सामाजिक अंकेक्षण समिति की बैठक कार्यवाही पूरी होने के बाद आगामी बैठक होने तक अध्यक्षता के सह धन्यवाद समाप्ति की गई। तो इस प्रकार से यहाँ पे पांचों प्रस्ताव को आप लोग अपने हिसाब से या फिर जिस प्रकार से हमने बताया उसको आप लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पे नीचे सेविका और सहायिका जो भी है उनका यहाँ पे सिग्नेचर होगा, वार्ड सदस्य का यहाँ पे सिग्नेचर होगा, जितने लोग मौजूद होंगे उन सभी का सिग्नेचर आपको यहाँ पे करा लेना है। तो इस प्रकार से आप लोग सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया की जो भी गतिविधि है उसको अपने नए रजिस्टर में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको सामाजिक अंकेक्षण की जो प्रक्रिया है उसको रजिस्टर में कैसे लिखना है इसकी फुल डिटेल्स हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है।
तो अगर आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को हमारा यह प्रयास अच्छा लगा, इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी आंगनबाड़ी बहनों तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी अपना सामाजिक अंकेक्षण की जो कार्यवाही पंजी है वो अपने रजिस्टर में लिख सके। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।